अच्छा बेस बन के तैयार होगा। तो ये वाला बेस ना नाइट पार्टीज में बहुत अच्छा होता है, जरूरी नहीं है कि आपको महंगी। वेलकम बैक टू माई चैनल ब्यूटी मैंने बदल रितु। तो आज मैं करने वाली हूँ स्ट्रॉप क्रीम के साथ एक ग्लॉसी वाला मेकअप लुक। स्ट्रॉप क्रीम जनरली आपने मार्केट की जो स्ट्रॉप क्रीम होती है, मैक हो गई, आपकी रिवॉल्यूशन, बहुत सारी कंपनियाँ बना रही है, लोटस की कंपनी हो गई, जो शुगर हो गया, ये स्ट्रॉप क्रीम जो निकालती है जो कि 500 to 600 के आसपास होती ही है, जो 300-200 वाली है वो उतनी मतलब हाई वाली नहीं होती। तो एक मतलब स्ट्रॉप क्रीम हम इसमें तैयार करेंगे इस वीडियो में और उसको अप्लाई करके दिखाऊंगी, फिर उसके बाद हम मेकअप करेंगे। तो स्ट्रॉप क्रीम के साथ आपको कितना फाउंडेशन लेना है, कितना बेस रखना है, ये सब मैं इसमें डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपने फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज कर लें, उसके बाद हम प्राइमर अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पे हमें स्ट्रॉप क्रीम कैसे बनानी है। स्ट्रॉप क्रीम जनरली हाइलाइटर्स के जो हाइलाइटर होता है हमारा, उसी से ही बनती है। तो हाइलाइटर में जो डस्ट यूज़ होती है ना शाइनी वाली, वो अलग से भी मिलती है, अलग से आप मुझे नहीं पता मार्केट में कहाँ मिलती है। मार्केट में अगर आपको मिलती है तो आप ले सकते हो, लेकिन जो भी आप पार्टिकल ले रहे हो ना वो बहुत फाइन वाला हो, उसमें कोई भी चंकी पार्टिकल्स ना हो। चंकी मतलब कोई बड़े बड़े पार्टिकल ना हो। अगर आप बड़े बड़े पार्टिकल लगा लोगे तो वो साफ आपके फेस पे दिखे और फेस उतना शाइन नहीं करेगा। तो अगर आपको चाहिए बेस शाइनी भी रहे और आपका फेस एक ग्लोइंग वाला मेकअप लुक भी हो आपका, तो उसके लिए आपको बहुत फाइन वाला हाइलाइटर लेना है। तो हाइलाइटर आपको थोड़ा अच्छी क्वालिटी का ही यूज़ करें। तो यहाँ पे मैं जो हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ वो यूज़ कर रही हूँ मेकअप रिवॉल्यूशन का हाइलाइटर। ये बहुत ही फाइन है और इसमें मेरा शेड है नंबर 02 गोल्डन लाइट्स है ये शेड, और ये बहुत अच्छा जाता है। डस्की जो डार्क स्किन है उस पर नहीं जाएगा, आप उसमें आप गोल्डन कलर का हाइलाइटर यूज़ कर सकते हो। मेरा जैसे फेयर स्किन टोन है तो उस पर ये वाला कलर बिल्कुल सही जाता है। इस थोड़ा बहुत ज़्यादा भर के नहीं है, मतलब एक चुटकी काफ़ी होता है इसमें। जैसे मैंने इतना इसको रब कर दिया है और इसको मैंने पैलेट, आप पैलेट में इसको ले ले, कोई भी मिक्सिंग प्लेट जो आती, सॉरी पैलेट कह रही हूँ, मिक्सिंग प्लेट जो आती है आप उसमें ले ले। तो मैंने इतना लिया है, इसमें मैं ऐड करूँगी थोड़ा सीरम। सीरम जो है रोज़हिप का बहुत अच्छे से ब्लेंड कर देगा इसको। दो से मतलब 3 से 4 ड्रॉप आप इसमें ले सकते हो, बस काफ़ी है। और इसमें आप चाहो तो थोड़ा सा मॉइस्चराइज़र भी ऐड कर सकते हो, लेकिन मैं मॉइस्चराइज़र नहीं यूज़ कर रही हूँ। और इसको अच्छे से मिक्स कर लो, बहुत अच्छे से मिक्स कर लो ताकि कोई भी पार्टिकल इसमें ना रह जाए। मिक्सिंग अच्छे से करोगे तो बहुत अच्छी शाइन आएगी आपके फेस पे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से जब आप अप्लाई करोगे ना तो बहुत अच्छा बेस बनके तैयार होगा। अब मैं आपको रब करके दिखा देती हूँ। तो ये वाला बेस ना नाइट पार्टीज़ में बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगी महंगी स्ट्रॉप क्रीम ही लेनी है। कोई भी हाइलाइटर लो, आप उसे कितने ही बार यूज़ कर सकते हो, और बहुत अच्छी क्वांटिटी होती है इन हाइलाइटर्स की, काफ़ी बार यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो शाइन, दोनों में आपको फर्क दिख रहा होगा। आप चाहो तो थोड़ा सा ज्यादा भी ले सकते हो अगर पूरे फेस पे ना पूरा हुआ हो। मैं इसी को ही अप्लाई कर रही हूँ, ब्लेंड करके जो बच गया सब ले लिया है। तो ये आ गई है आपकी शाइन। अब आपको लेना है फाउंडेशन। फाउंडेशन आपको कौन सा लेना है, हाई कवरेज वाला ना यूज़ करें, वो सारे आपका ना शाइन ख़त्म कर देगा। आपको लेना है लाइट कवरेज वाला, टिंट ले सकते हो आप,
बीबी क्रीम भी ले सकते हो लेकिन कम क्वांटिटी में। तो यहाँ पे मैं मेबेलिन का टिंट ले रही हूँ, ये काफ़ी अच्छा है। मेरा शेड है नंबर 01, अभी मैं इस प्लेट पे ये ले लेती हूँ। इसको मिक्सिंग करना बहुत ज़रूरी है वरना ये सारे ऑयल ना अलग हो जाता है अगर आप डायरेक्टली यूज़ करोगे, इसलिए मिक्सिंग ज़रूर। बहुत ही हल्का हल्का ही लूँगी। इतना आपको लगाना है, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है वरना शाइन ख़त्म हो जाएगी फेस से। तो आप देख सकते हो हल्की हल्की शाइन है। तो अब दूसरी तरफ भी हम बेस अप्लाई कर लेंगे, वही टेंट यूज़ कर रही हूँ। पतला पतला बेस अप्लाई करें, हैवी बेस ना रखें, और ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से इसी तरीके से डैब डैब करके उसको सेट कर लेंगे। अगर पतला बेस रखोगे तो आपका फेस बहुत अच्छे से शाइन करेगा। तो इस तरीके से अप्लाई कर लें। इसके बाद यहाँ पर मैं क्रीमी ब्लश ले रही हूँ स्विस ब्यूटी की लिप पैलेट से ही। आप कोई सा भी अपने फेवरेट लिप क्रीम या ब्लश यूज़ कर सकते हो। अब पूरे बेस को हम सेट करेंगे कॉम्पैक्ट पाउडर से। मेबेलिन का कॉम्पैक्ट पाउडर है नंबर 01, उससे अच्छे से इसको सेट कर लें। अब यहाँ पे फटाफट से आई शेडो कर लेंगे। ये मेकअप रिवॉल्यूशन की पैलेट है, उसी से आई शेडो ले रही हूँ। तो सबसे पहले ऑरेंज कलर को मैंने ट्रांजिशन कलर ऑरेंज लिया है और क्रीज लाइन पर इसको ब्लेंड किया है, और फिर अपने फिंगर की मदद से मैं ग्रीन कलर का शिमर ले रही हूँ और उसी को अप्लाई किया है। अब यहाँ पर फाइनल हाइलाइटर सेम वही यूज़ कर रही हूँ जो मैंने स्ट्रॉप क्रीम बनाने में यूज़ किया था, और लिपस्टिक ले रही हूँ। यह है टीचर्स ट्राइब जो कि है नाइका की। ये लिपस्टिक काफ़ी अच्छी है और बोल्ड है, डस्की स्किन टोन पे बहुत अच्छी लगी। तो आप देख सकते हो, तो इस तरीके के जब आप लुक करोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और महंगी स्ट्रॉप क्रीम या एल्यूमिनेटर आपको लेने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इस तरीके से भी बेस तैयार कर सकते हो। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें।